लेकिन सर 69th के प्रीलिम्स की बात करूं तो गेम चेंज हो चुका है सर। 68th तक वो काम किया, 67th तक इनफैक्ट काम किया, लेकिन जो मैंने इस पर 69th दिया है उसमें कोई बढ़िया कोचिंग की, वो फिजिक्स वाला ही हो, बढ़िया कोचिंग की मैगजीन आपको मंथली पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। अगर आप बिगनर हो तो किसी कोचिंग का एनालिसिस देखो, फिजिक्स वाला का एनालिसिस आप देख लो, फिर आप लर्न कर लो कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं, फिर आप पढ़ो। फिजिक्स वाला का मैंने इंटरव्यू सेशन ज्वाइन किया और इंटरव्यू के दौरान एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या डिफरेंस है, तो मैं नहीं बता पाया था वहां पे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी वाला। बीपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है और आज मेरे सामने यहाँ पर 68 बीपीएससी के टॉपर अंकेश जी बैठे हुए। अंकेश जी का रैंक 151 है इस बार 68 बीपीएससी परीक्षा में और उनको ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर मिला है। तो अंकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। अंकेश जी, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो विद्यार्थी आपको देखेंगे, वो या जो देख भी रहे हैं, वो आपसे आपकी रणनीति जानना चाहते हैं परीक्षा में, किस आपने किस प्रकार से परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो मैं आपसे यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर का जो है सवाल पूछूंगा कि मतलब कैसे आपने उसकी तैयारी की। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि प्रीलिम्स में आपने किस प्रकार से तैयारी की। प्रीलिम्स में जो स्टैटिक पोर्शन है, जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स है, उसकी तैयारी और करंट अफेयर्स की तैयारी, इन दोनों की तैयारी आपने किस प्रकार से की? सर प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट है ये डिसाइड कर लिया, वो लिस्ट होती है कि इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशियंट है, फिर सबके लिए बुक डिसाइड कर लिया, हर एक के लिए बुक। जैसे एक प्रिपरेशन होता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एक प्रिपरेशन होता है कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ठीक है, हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, 6th का और 11th का थीम 1 पढ़ लेंगे। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम, मैंने क्या किया था कि मैंने स्पेक्ट्रम बस पढ़ा था, मैंने इसमें एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी थी। या ज्योग्राफी पढ़ा तो मैंने केवल एनसीईआरटी पढ़ा, वो भी 11th 12th, मैंने 6th to 10th नहीं पढ़ी थी, केवल 11th 12th, और जीसी लियोंग के लास्ट के 10 चैप्टर पढ़ लिए, वो क्लाइमेट वाले। इकोनॉमिक्स था तो सर इकोनॉमिक्स में कन्वेंशनल चीजें नहीं आती, इसलिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। इकोनॉमिक्स में मोस्टली टर्म्स देख लिए कि जीडीपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऊपर ऊपर का सर, बस ऊपर ऊपर का। इसके अलावा करंट अफेयर से सप्लीमेंट किया। इसके अलावा पॉलिटी है तो मैंने एम लक्ष्मीकांत करी। वैसे सर मैंने एक्चुअली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रखी थी, एम लक्ष्मीकांत लगभग मैंने सर 10 से 11 बार पढ़ रखा है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पीवाईक्यू देखिए और शुरू के कुछ चैप्टर्स बस पढ़िए। मैंने पूरी पढ़ी थी बट उतना जरूरत नहीं है सर, मतलब शुरू के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लेंगे। इसी तरह से सर और कोई सब्जेक्ट बचा क्या सर? साइंस। साइंस साइंस, यस सर। साइंस में सर मैंने 6 to 10 एनसीईआरटी, इसके अलावा सर मैंने घटना चक्र लगाई थी, ये दो चीजें मैंने की थी। ओके, 6 to 10 एनसीईआरटी और घटना चक्र, नहीं बहुत अच्छी बात है। और करंट अफेयर्स के लिए फिर आपने क्या किया था? करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स के लिए सर मैं जनरली ये जो ईयरली मैगजीन आता था उसको मैंने फॉलो किया था, लेकिन सर 69th के प्रीलिम्स की बात करूं तो गेम चेंज हो चुका है सर। 68th तक वो काम किया, 67th तक इनफैक्ट काम किया, लेकिन जो मैंने इस पर 69th दिया है उसमें कोई बढ़िया कोचिंग की, वो फिजिक्स वाला ही हो, बढ़िया कोचिंग की मैगजीन आपको मंथली पढ़नी चाहिए, वो ईयरली वाला फंडा की वन लाइनर वाला थोड़ा सा चेंज चाहिए सर। पैटर्न थोड़ा सा जी चेंज सर, कर दिया, और 69th में तो इकोनॉमी के पैटर्न को भी थोड़ा चेंज कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। चूंकि मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड था तो इस बार भी मैं 69th में भी लगभग मेरे 103 मार्क्स थे प्रीलिम्स में, लेकिन वो अगर मैं वही पैटर्न फॉलो करता वन लाइनर वाले तो फिर नहीं आ पाता। बिल्कुल। और तो एनसीईआरटी की क्या भूमिका बताएंगे फिर प्रीलिम्स में आप? वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से एनसीईआरटी पर है ताकि आपकी बुक खत्म होती चलेगी। केवल एनसीआरटी अगर कि हमको 6 to 12 तक पढ़ना है तो फिर एक टाइम के बाद मोनोटोनस हो जाएगा।
ठीक है। टेस्ट सीरीज की क्या क्या रोल है प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो? टेस्ट सीरीज सर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब देना ही चाहिए सर। मेरे हिसाब से आप मिनिमम 20 से 30 टेस्ट तो दे के ही जाइए। और टेस्ट सीरीज के अलावा सर जो क्वेश्चन PYQ वाला है वो मुझे लगता है कि आप रट जाइए, मतलब एकदम रट जाइए बाई हार्ट सर। टेस्ट सीरीज की अपनी अलग भूमिका है ताकि आपको परीक्षा से पहले परीक्षा का एहसास हो जाता है। मुख्य यस यस राइटली। परीक्षा में क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? किस प्रकार से आप आंसर राइटिंग करते थे? कैसे आपकी स्ट्रेटजी बनाई आपने? मुख्य परीक्षा के लिए सर नोट्स प्रिपेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और नोट्स प्रिपेयर करने का माध्यम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कि जैसे हिस्ट्री उठाई मैंने, तो हिस्ट्री के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपके अपने नोट्स होने चाहिए। अपने नोट्स आप बना लो। फिर पॉलिटी ले लिया, PYQ के अपने नोट्स बना लीजिए। इकोनॉमिक्स में सर अभी डायनेमिक्स आने लगे हैं, तो इकोनॉमिक्स में आपको करंट पे, लेकिन ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है 68th में भी उन्होंने पूछा, 69th में भी पूछा, लेकिन वो PYQ लगभग PYQ पैटर्न पे ही थे। तो PYQ ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स पूछेंगे, साइंस में सर ऑलमोस्ट PYQ, 69th मेंस में तो पूरा PYQ ही, लगभग PYQ था। 68th में भी PYQ था सर कहीं ना कहीं, और थोड़े बहुत थीम जैसे वाटर वाला है तो वो रिपीट हो गया। इसी तरह सर मैंने की, और करंट अफेयर्स वाला है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 50 से 100 होने चाहिए आपके, और न्यूज़पेपर सर डेली, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो किसी कोचिंग का एनालिसिस देखो, फिजिक्स वाला का एनालिसिस आप देख लो, फिर आप लर्न कर लो कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं, फिर आप पढ़ो। तो आपको लगता है कि जैसे ओनली आईएएस वगैरह का जो एडिटोरियल है वो मेंस में काम आएगा? आप इस पे सहमत हैं? यस सर बिल्कुल काम है, मैं सर। और इंटरव्यू में किस प्रकार से आपने तैयारी की? और इंटरव्यू में आप हमारे साथ जुड़े भी थे, तो आपको किस प्रकार उसमें सपोर्ट मिला? सर इंटरव्यू के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बेसिकली 4-5 थीम मुझे लगा। एक तो एक अपना बैकग्राउंड प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे किस कॉलेज से है, उसके आसपास की थोड़ी बहुत चीजें। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो बेसिक्स जैसे बहुत कोर नहीं, जैसे पंखा है घर में तो कौन सा मोटर लगा हुआ है, या वाईफाई क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो आपके सामने से गुजर रही हो, या फिर हीटर में को क्या यूज होता है, इस तरह की चीजें। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो पॉलिटिकल साइंस में भी सर बेसिक्स, क्योंकि बहुत डीप में सर पूछा नहीं जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट और बेसिक्स में, जैसे नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है, एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस है, या फिर कुछ फेमस थिंकर जैसे मॉरगेंथियू या फिर कौटिल्या, कुछ फेमस थिंकर बस, बहुत ज्यादा नहीं, या थ्योरी ऑफ जस्टिस फेमस है तो उसको पढ़ लेंगे। यही पिलर्स रहे सर इंटरव्यू प्रिपरेशन के। और सर फिजिक्स वाला का मैंने इंटरव्यू सेशन ज्वाइन किया, और इंटरव्यू के दौरान एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या डिफरेंस है, तो मैं नहीं बता पाया था वहां पे, सर लोगों ने बताया और मैंने आके चेक भी किया, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझसे पूछा गया था सर अरे इंटरव्यू के दौरान, एक्चुअल इंटरव्यू के दौरान। यस सर, अरे, तो सीधा ही हो गया। हाँ सीधा हो गया था सर, ओके ट्रू ओके, है सर। नहीं बहुत अच्छा है और बहुत खुशी हुई कि आपने जो है वो सफलता प्राप्त की है। 69th भी दे रहे हैं आप, तो 69th में भी आपकी उम्मीदें जो है वो बनी हुई हैं मुझे लगता है। यस सर, यस सर। तो अभी वैसे आप रहने वाले कहाँ पके हैं? सर मैं मुजफ्फरपुर कटरा ब्लॉक के मनकी गांव से हूँ सर। ओके ओके, और आपका जो माध्यम था वो क्या था? मेरा मीडियम सर इंग्लिश था। इंग्लिश था, मतलब हर हर चीज आपने इंग्लिश में ही लिखी यस सर। थी। और ठीक है अंकेश जी, तो बहुत बहुत बधाई है आपको, और जो आपने हमारे साथ यहाँ पर स्ट्रेटजी शेयर की उसके लिए भी आपको ढेर सारी, मतलब बच्चे भी जो है आपको धन्यवाद देंगे, और हमारे तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू अंकेश जी, थैंक यू वेरी मच।